दोस्तों, विराट कोहली और जॉश बटलर में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज आईपीएल 2022 का एकदम थ्रिलर मैच खेला गया, जहां बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान से हुआ। बैंगलोर के कैप्टन फैब डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। पावर प्ले में राजस्थान की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ओवर में देवदत्त पदिकल 7 रनों पर, चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन 17 रनों पर, वहीं पांचवे ओवर में इन फॉर्म बैट्समैन जॉश बटलर भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब संजू सैमसन और डैरियल मिचेल ने इनिंग्स को संभाला और दोनों एक पार्टनरशिप की ओर बढ़ने लगे, पर 10वें ओवर में अच्छा खेल रहे संजू सैमसन भी 27 रन बनाकर आउट हो गए। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब डैरियल मिचेल का साथ देने आए रियान पराग। 11वें ओवर में नवे आए रियान पराग ने एक सिक्स और एक फोर लगा दिया और पूरे ओवर से 14 रन स्कोर किए, पर 12वें 13वें और 14वें ओवर में बैंगलोर के बॉलर्स ने वापसी की और तीनों ओवर से सिर्फ 16 रन ही दिए। वहीं 15वें ओवर में जॉश हेजलवुड ने डैरियल मिचेल को 16 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। राजस्थान का स्कोर 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद। 16वें ओवर में राजस्थान का एक और विकेट गिरा, जहां नवे आए शिमरॉन हेटमायर 3 रन बनाकर आउट हो गए। 17 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 110 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर में रियान पराग ने एकदम शानदार बैटिंग की और 3 ओवर में 34 रन स्कोर किए, जहां रियान पराग ने सिर्फ 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। राजस्थान ने 20 ओवर में बनाए 144 रन, जहां राजस्थान के 8 विकेट गिरे थे। अब बैंगलोर को इस मैच को जीतने के लिए 145 रनों की आवश्यकता थी। 145 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दूसरे ओवर में ओपनिंग करने आए विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब फैब डुप्लेसिस और रजत पाटीदार ने इनिंग्स को संभाला और पावर प्ले के बचे हुए 5 ओवर में सिर्फ 27 रन स्कोर किए। 6 ओवर के बाद बैंगलोर का स्कोर था 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में आरसीबी के लगातार 2 विकेट्स गिरे, जहां फैब डुप्लेसिस 23 रन बनाकर, वहीं ग्लेन मैक्सवेल पहली ही बॉल पर आउट हो गए। अब रजत पाटीदार के साथ बैटिंग करने आए शाहबाज अहमद, पर 10वें ओवर में अच्छा खेल रहे रजत पाटीदार भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब शाहबाज अहमद का साथ देने आए प्रभु देसाई। 11 ओवर के बाद बैंगलोर का स्कोर था 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर कराने आए रविचंद्रन अश्विन और अश्विन ने नवे आए प्रभु देसाई को सस्ते में आउट कर दिया। 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब शाहबाज अहमद का साथ देने आए हार्ड हिटर दिनेश कार्तिक, पर 13वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने दिनेश कार्तिक को 6 रनों पर रन आउट कर दिया। 14वें ओवर में शाहबाज अहमद ने अटैक किया और पूरे ओवर से 11 रन स्कोर किए। अब आखिरी 6 ओवर में आरसीबी को 62 रन चाहिए थे। 15वें ओवर से आए 7 रन, वहीं 16वें ओवर में अच्छा खेल रहे शाहबाज अहमद भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब 4 ओवर में आरसीबी को और 50 रनों की आवश्यकता थी।